दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे जिसका रेंज 240 किलोमीटर पर चार्ज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये बाइक मिलेगा सिर्फ 85,000 में। ओह गॉड, एक बार दिला दे। दोस्तों हम इंडियन कस्टमर जब भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोचते हैं, तभी हमारा दिमाग में एक बात हमेशा रहता है, हमें परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम मिल जाए मगर रेंज ज्यादा मिलना ही चाहिए। तो इसी बात का सलूशन लाते हुए आईभूमि एनर्जी, जो कि एक मुंबई बेस्ड ईवी कंपनी है, वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर आईभूमि S1 को लॉन्च किया है। और इस वीडियो में इस स्कूटर के डिजाइन, रेंज, परफॉर्मेंस और प्राइस के बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए और ईवी सपोर्टर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में डिटेल्स वीडियो लेकर आते हैं ईवी सपोर्टर में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर का डिजाइन के। दोस्तों लुक्स एंड डिजाइन के मामले में स्कूटर एक रेट्रो लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह लगता है। दोस्तों इस स्कूटर का डिजाइन आपको पूरा IC इंजन के तरह ही देखने को मिलता है। और दोस्तों रेट्रो लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के साथ साथ ये स्कूटर में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो कलर आता है इसका वो है व्हाइट एंड ब्लैक, दूसरा कलर आता है इसका रेड एंड ब्लैक, और तीसरा कलर आता है इनका ब्लू एंड ब्लैक, और चौथा कलर आता है इसका ग्रे एंड ब्लैक। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सामने से देखें, जो कि आप देख सकते हो, इसका फाउंटेन में हेडलाइट के साथ DRL देखने को मिलेगी, और इसका जो फ्रंट हेडलाइट है वो इसका फ्रंट पैनल में देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों बात करें इस स्कूटर का टायर साइज का, इसका फ्रंट में 90x90 का टायर साइज देखने को मिलता है, और इसका रियर में तो 100x90 का टायर साइज देखने को मिलता है, और इस स्कूटर में 10 इंच का व्हील साइज देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस स्कूटर का सस्पेंशन की बात करें, तो इसका फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, और इसका रियर में एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। अगर बात करें इसका ब्रेकिंग की, तो इसका फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो दोस्तों ये था इसका लुक एंड डिजाइन। अब बात करते हैं स्कूटर का स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इस स्कूटर में आपको 2.5 किलोवाट की BLDC हाफ मोटर दिया गया है, जो कि 0-40 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 3.5 सेकंड में अचीव कर लेता है, जो काफी अच्छा एक्सेलरेशन है। अगर दोस्तों बात करें इस बाइक का मैक्सिमम टॉप स्पीड, तो इस बाइक में 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस स्कूटर में आपको ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, अगर आपको ज्यादा रेंज मिल जाए तो ये परफॉर्मेंस भी अच्छा है। दोस्तों आप बात करते हैं इस स्कूटर का सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, बैटरी और रेंज का। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 4.2 किलोवाट आवर की रिमूवेबल बैटरी दिया जाएगा। कंपनी क्लेम कर रहा है ये बैटरी सबसे ज्यादा सेफेस्ट बैटरी होने वाला है। अगर इसका बैटरी के बात हो रहा है, तो इसका चार्जिंग की बात करें, कंपनी का कहना है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 0-100 सिर्फ 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, और ये बैटरी का 20-80% चार्ज होने में सिर्फ 3 आवर्स टाइम लगेगा। आप बात करते सबसे खास बात इसका रेंज का, और दोस्तों इस स्कूटर का बैटरी 100% चार्ज होने पर 240 किलोमीटर का रेंज देता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है इस प्राइस रेंज पे। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 240 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा है इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों इस स्कूटर में इको, राइड और स्पोर्ट्स 3 डाइविंग मोड्स देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस बाइक का प्राइस के बारे में। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस 85,000 एक शोरूम देखने को मिलेगा, और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सकता है, मगर इतना रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।